नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं एक बेहद ही खास टॉपिक के बारे में जो आप सभी के लिए बेहद फायदेमंद हो। हमारा ये प्रयास होता है कि आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी जानकारियाँ लेकर के आएँ जिसके सहारे आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख पाएँ, स्वास्थ्य में सुधार कर पाएँ। आइए आज हम सभी जानते हैं आड़ू के फायदे और नुकसान के बारे में। जी हाँ, आड़ू एक व्यापक रूप से लोकप्रिय स्वादिष्ट और रसदार फल है। आड़ू की खेती सबसे पहले चीन में की गई थी, लेकिन आड़ू अब पूरी दुनिया में आपको आसानी से मिल जाता है, उगाया जाता है। स्वादिष्ट होने के अलावा यह फल विटामिन्स, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट और विभिन्न अन्य रासायनिक सामग्री का एक समृद्ध स्रोत भी है। भारत में आड़ू की खेती हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और उत्तराखंड में की जाती है। आड़ू लाल या पीले रंग के होते हैं और इनका गुदा सफ़ेद या हल्के पीले रंग का होता है। जी हाँ, आइए हम सभी आज जानते हैं आड़ू के फायदों के बारे में। सबसे पहले आड़ू के फायदे आँखों को स्वस्थ रखने में। जी हाँ, बीटा कैरोटीन आँखों के स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है और आड़ू में इस एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा होती है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए और सी भी पाया जाता है जिसकी नियमित रूप से खपत आपके शरीर में रक्त परिसंचरण को बढ़ा करके आपके दृष्टि स्वास्थ्य में सुधार कर सकती है, यानी कि आपके स्वास्थ्य को ये सुधारने में बेहद कारगर साबित होती है। बीटा कैरोटीन भी आपकी आँखों को पोषण देकर के मुक्त कणों की क्षति से रेटिना को बचाता है। साथ ही मोतियाबिंद और उम्र से संबंधित धब्बेदार अधपतन को रोकने में मदद करता है। जी हाँ, अधपतन की समस्या से ये आपको निजात दिलाता है। ये बेहद ही कारगर औषधि के रूप में आपके लिए कार्य करता है। आड़ू का उपयोग है त्वचा के लिए लाभकारी। जी हाँ, पीच विटामिन ए सी का बड़ा स्रोत है जो त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। विटामिन ए त्वचा को नमी प्रदान करता है जिससे त्वचा की बनावट में सुधार होता है, जिससे त्वचा नरम और कोमल हो जाती है। विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा को मुक्त कणों की क्षति से बचाता है। एक दिन में सिर्फ एक बड़े आड़ू का सेवन आपकी त्वचा की चमक को बनाए रख सकता है। आप डार्क सर्कल और झुर्रियों से छुटकारा पाने के लिए भी अपनी त्वचा पर आड़ू का प्रयोग कर सकते हैं। आड़ू के लाभ ये भी एक मुख्य है कि ये आपके वजन को कंट्रोल करता है। जी हाँ, आड़ू वसा रहित होता है और इनमें केवल औसतन 68 कैलोरी होती है। आड़ू में चीनी की प्राकृतिक उच्च मात्रा होती है और इसीलिए इसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है। यदि आप वजन घटाने के मिशन पर हैं तो डेली संशोधित मात्रा में स्नैक्स की बजाय आड़ू का सेवन शुरू कर दीजिए, आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा। आड़ू के औषधीय गुण रोकते हैं कैंसर सेल्स की वृद्धि को। जी हाँ, पीच एंटीऑक्सीडेंट्स से समृद्ध होते हैं जो कैंसर सेल की वृद्धि को रोकने में मदद करते हैं। विशेष रूप से फेफड़े, कोलन और मौखिक कैंसर के खिलाफ शरीर की रक्षा के लिए पीच विशेष रूप से जाने जाते हैं। इसके अलावा पीच में फिनोलिक एसिड जो क्लोरोजेनिक और नोकोकैलोरोजेनिक एसिड के रूप में जाने जाते हैं, ये सामान्य कोशिकाओं को हानि पहुंचाए बिना ही ब्रेस्ट कैंसर सेल्स लाइंस को बढ़ने से रोकते हैं, यानी कि ये ब्रेस्ट कैंसर से आपको बचाता है। पीच के फायदे रखे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित। जी हाँ, आड़ू आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। नियमित आधार पर आड़ू खाने से उच्च कोलेस्ट्रॉल और इसकी समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है, जिससे मधुमेह और हृदय रोग पैदा होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आड़ू में फिनोलिक यौगिक होते हैं जो कम घनत्व वाले लो प्रॉपर्टीज या LDL कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण को रोकते हैं। इसके अलावा इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो रक्त प्रवाह में कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करने के लिए अच्छा होता है, यानी कि मददगार होता है आप सभी के लिए। आड़ू का सेवन करें हृदय के लिए। जी हाँ, हृदय को अगर आपको स्वस्थ रखना है तो आड़ू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आड़ू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके हृदय को मुक्त करने वाले कणों को नष्ट करके आपके हृदय को लाभ देते हैं। ये मुक्त कण आपके शरीर के भीतर श्रृंखला प्रतिक्रियाएं शुरू करते हैं और कोशिकाओं को नुकसान या मार सकते हैं।
स्पीच में जैव सक्रिय यौगिक होते हैं जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से लड़ने में मदद करते हैं, जो सूजन, मोटापा और हृदय की समस्याओं का कारण बनते हैं। आड़ू में अन्य पोषक तत्व भी होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके हृदय रक्त यानी कि हृदय तक रक्त के प्रवाह में वृद्धि करते हैं। इससे हृदय स्वस्थ रहता है। आड़ू की नियमित खपत आपको दिल के दौरे और स्ट्रोक से भी बचाने में मदद करता है। इसके अलावा आड़ू फल है पाचन के लिए बेहतर। जी हाँ, पाचन के लिए ये बेहद ही बेहतर फलों में से एक है। आड़ू अपनी उच्च फाइबर और पोटेशियम सामग्री के कारण आपके बृहदंत्र, गुर्दे, पेट और लीवर से विषाक्त पदार्थों को शुद्ध करने में मदद करता है। उच्च फाइबर सामग्री आपके बृहदंत्र से किसी भी विषाक्त अपशिष्ट पदार्थ को धक्का देती है और पोटेशियम की उच्च मात्रा गुर्दे से संबंधित बीमारियों को कम कर देती है, जिससे अल्सर को विकसित करने की संभावना कम हो जाती है। आड़ू पाचन तंत्र के लिए आसान होते हैं और आमतौर पर इनके सेवन से पेट की परेशानी नहीं होती है आपको। जी हाँ, इसके अलावा आड़ू के गुण करे रक्तचाप को कम। जी हाँ, ये आपके रक्तचाप को कम करता है। एक बड़े आड़ू में पोटेशियम की उच्च मात्रा और बहुत कम सोडियम होता है जो आपको स्वस्थ रक्तचाप को बनाए रखने में मदद करता है। पोटेशियम शरीर के जल संतुलन को विनियमित करने के लिए सोडियम के साथ कार्य करता है और बदले में सामान्य रक्तचाप को बनाए रखने में मदद करता है। आड़ू में मैग्नीशियम, फास्फोरस, जस्ता, तांबा, मैग्नीज, लोहा और कैल्शियम भी होते हैं जो लाल रक्त कोशिकाओं के समर्थन और स्वस्थ रक्तचाप को बढ़ावा देने के लिए मिलकर के कार्य करते हैं। अगर आपको उच्च रक्तचाप है तो दैनिक आड़ू खाने से इस समस्या का मुकाबला करने में आपको मदद मिल सकती है। आड़ू खाने के फायदे हैं, एनीमिया में बेहद उपयोगी। लोहे की कमी एनीमिया वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों का सुझाव है कि पीत जैसे लोहे से समृद्ध खाद्य पदार्थ का अपने आहार में सेवन बढ़ाना चाहिए। लोहे में हीमोग्लोबिन के उत्पादन में वृद्धि करने में मदद मिलती है जिससे एनीमिया रोका जा सकता है। पीच में विटामिन सी की एक उच्च मात्रा भी होती है जो आपके शरीर में लोहे को बेहतर ढंग से अवशोषित करने में मदद करती है। इसके अलावा गर्भावस्था में आड़ू बेहद उपयोगी होता है। जी हाँ, गर्भावस्था के दौरान विटामिन सी बच्चे की हड्डियाँ, दांतों और त्वचा, मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं में संयोजित उत्तक के रूप में मदद करने के लिए आवश्यक है। यह अपरिपक्व लीवर को रोकने की क्षमता के साथ जुड़ा हुआ और खिंचाव के निशान भी कम करता है। आड़ू फाइबर में उच्च होते हैं। फाइबर विशेष रूप से गर्भावस्था के दौरान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालने, पाचन में सहायता और आंतों को साफ करने में मदद करता है। आड़ू का रस दिलाता है आपको कब्ज से राहत। जी हाँ, पीच एक स्वादिष्ट फल है जो फाइबर से भरपूर होता है। यदि आप इस फल को अपनी त्वचा के साथ अगर तालमेल बिठाना चाहते हैं और अच्छा बनाना चाहते हैं और इसका सेवन करते हैं तो आपको सबसे अच्छा फायदा मिलता है, यानी कि इसको बिना छिले आपको खाना है जिसमें फाइबर की बहुत बड़ी मात्रा होती है इसके छिलके में। आड़ू में मौजूद फाइबर आपके पाचन तंत्र को जल्दी से स्थानांतरित करने में मदद करेगा जिससे आपके कब्ज की समस्या में मदद मिलती है। इसके अलावा चेरी और आड़ू का रस पीने से भी कब्ज में राहत मिलती है। इसके अलावा आड़ू बेनिफिट्स करता है आपको गठिया के इलाज में। जी हाँ, इसमें सूजन को कम करने वाले रोगाणुरोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। आहार विशेषज्ञों के अनुसार गाउट या गठिया से पीड़ित लोगों को नियमित आधार पर आड़ू का सेवन करना चाहिए। आड़ू में मौजूद उच्च विटामिन ए भी गठिया के इलाज में मदद करता है। पीच में मूत्रवर्धक या हल्के रेचक प्रभाव भी हो सकते हैं जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं, गाउट और गठिया के प्रमुख लक्षणों में से जो कि एक होता है। आइए अब जान लेते हैं आड़ू से होने वाले नुकसानों के बारे में। ये तो अभी तक मैंने आप सभी को फायदे बताए। जी हाँ, वैसे तो आड़ू से कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को इसके सेवन से एलर्जी की प्रतिक्रिया हो सकती है। वो थोड़े मात्रा में सेवन करके टेस्ट कर लें कि उनको फायदा करता है कि नहीं, तभी मात्रा को बढ़ाएं। जी हाँ, आड़ू एलर्जी के लक्षण लोगों के बीच अलग अलग होते हैं, लेकिन इनमें मुंह, जीभ या होंठों में लाली या सूजन शामिल हो सकती है। कुछ लोगों को एलर्जी के कारण गले में सूजन का अनुभव भी हो सकता है। इसके अलावा आड़ू के अधिक सेवन से पेट में दर्द, सांस लेने में समस्या, दस्त, चक्कर आना, मितली आना
इत्यादि हो सकता है। तो इस दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए स्वादिष्ट और रसदार फल का आनंद लें, यानी कि कम मात्रा में लें, उचित मात्रा में इसका सेवन करें, आपके लिए ऑलवेज फायदेमंद साबित होगा। ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए आड़ू के फायदों से रिलेटेड। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।